पश्चिम यूपी की खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा में श्रावण मास में बटेश्वर धाम में नहीं चढ़ाया जाएगा कांवर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन होगा। प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक बटेश्वर मंदिरों में श्रद्धालु कर सकेंगे पूजा अर्चना जलाभिषेक। नोएडा प्राधिकरण बारिश के अलार्म को देखते हुए नालों की सफाई कराने में जुटा है। सड़कों पर जमा कूड़ा हटाया गया है। जल भराव की समस्या से नोएडा वासियों को जल्द निजात मिले। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, एक साथी फरार। पकड़े गए बदमाश पर हत्या लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। हाथरस के हसायन इलाके में बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मार दी। कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, दो महिला समेत आठ लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया। बरेली से मथुरावन परिक्रमा लगाने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। कासगंज में बाजितपुर गांव के पास बारात से वापस आ रही इनोवा कार जामुन के पेड़ से टकरा गई। दूल्हे के पिता, बहनोई और गाड़ी का ड्राइवर, जिनकी मौके पर मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। ठेकेदारों ने लव जिहाद कर पैसे का लालच देकर एक शख्स का धर्म परिवर्तन कराया। अरविंद नाम के शख्स को कुछ मुस्लिमों पर 10 लाख रुपए का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की में जुटी है। सहारनपुर के सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाली हिंडन नदी में पानी आने से कार फंस गई और गाड़ी के अंदर पांच लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पांच लोगों की जान बचा ली। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो अपने साथियों की मदद से लोगों को अपने घर बुलाते थे, फिर उस पर छेड़खानी का आरोप लगाकर केस दर्ज कराकर समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठते थे। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में महिला के मर्डर से सनसनी फैल गई। महिला ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर चाकू से वार कर दिया। बच्ची से पानी में गिर गया था पड़ोसी महिला का मोबाइल, इतनी सी बात पर कर डाली महिला की हत्या। तो ये पश्चिमी यूपी की खबरें थी जो हमने आपको फटाफट अंदाज में बताई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। भटवाड़ी ब्लॉक के मंडो गांव में पानी घुस गया है। आपदा प्रबंधन टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। गांव में पानी भरने से गांव के लोग दहशत में, कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है। ये तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीम ने मोर्चा संभाल लिया है, लोगों के घरों में पानी है। ये तस्वीरें देखिए, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं। लोगों के घरों में ये पानी घुसा हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सैलाब बन गया है लोगों के घरों में। रेस्क्यू टीम मौके पर राहत बचाव काम में जुटी हुई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के निराकोट गांव में पानी भर गया है। दो महिला और एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निराकोट मांडो और कंकराड़ी गांव में बादल फटा और बादल फटने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए। तो उत्तरकाशी में निराकोट मांडो और कंकरा राड़ी गांव में बादल फट गया है। बादल फटने के बाद उफान के साथ मलबा आ गया, कई मकान गिर गए, तीन लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में बादल फटा है। निराकोट मांडो और कंकराड़ी में बादल फटने के बाद बड़े पैमाने पर मलबा, तेज बहाव के साथ पानी आया, कई मकान गिर गए हैं और तीन लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया है। बादल फटने के बाद उफान के साथ यहां मलबा पहुंचा है, तेज रफ्तार से पानी, मिट्टी और पत्थर। बादल फटने के बाद उफान के साथ मलबा आया, जिसकी चपेट में आने से तीन मकान धराशायी हो गए हैं। तीनों मकानों को नुकसान हुआ है, गिर गए हैं मकान और तीन लोगों की मौत की खबर आई है। तीन लोगों के मारे जाने की खबर आई है। बादल फटने के बाद यह हादसा हुआ है। निराकोट मांडो और कंकराड़ी गांव में बादल फटा है, कई मकान गिर गए,
तीन लोगों की जान चली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तीन मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है उनकी संख्या तीन है। निराकोट, मांडो और कंकराड़ी में बादल फटा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, मलबा और तेज बहाव के साथ पानी आया। ये देखिए, ये वो जगह, बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा जमा हुआ है। बहुत ही तेज उफान के साथ ये मलबा यहाँ पर पहुंचा था। रास्ते खराब हो गए, बहाव आया और तीन मकान गिर गए। तीन लोगों की मौत हो गई इसमें। निराकोट, मांडो और कंकराड़ी गांव में बादल फटा है। हमारे संवाददाता दिग्वीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से। उम्मीद से अपडेट लेते हैं दिग्वीर, ताजा हालात क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी आपको बता दूं, कल रात लगातार बारिश होने के बाद जो अभी भी बारिश हो रही है, और कल रात बारिश जिस तरह से हुई है उससे जो कि मांडव, निराकोट और जो कंकराड़ी गांव के ऊपर जो बादल फटा है, बादल फटने से लगभग इस क्षेत्र के लगभग तीन गांव हैं जो कि कंकराड़ी है और आपके निराकोट है और मांडव है, और जो नाले में काफ़ी उफान आया है और जिससे जो कि लोगों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी है। और आपको बता दूं कि कल रात जो कि जनपद में जगह जगह जल भराव और जो लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है, और लगातार बारिश के चलते हम लोग अभी मांडव गाँव पे हैं जहाँ पे बड़ी आपदा आई है और जिस तरह बादल फटा है। बादल फटने के बाद जो बताया जा रहा है कि इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है, दो महिलाएं हैं, एक बच्चा है, और उसमें तीन लोग जो घायल हुए हैं उन्हें जिला आपदा प्रबंधन ने कल रात को रेस्क्यू करके जो कि अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो कि अभी खतरे से बाहर है तीनों लोग। और अब जो मौके में हम लोग अब खड़े हैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से जो बादल फटा है मांडव गांव में जो सैलाब आया है, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा दिख रहा है। और जो मांडव गांव का है पूरा जो कनेक्टिविटी, जो रास्ता है पूरा पूरी तरह से टूट चुका है, और जो हालात है जो मांडव गांव के लोग हैं वो ठीक सामने देख रहे हैं, और उनका जो गांव का जाने का रास्ता भी क्षतिग्रस्त है, और जो मार्ग है पूरा जो बीआरओ ने बनाया था, जो बाईपास है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और जिस तरह से जो हालात है जनपद के वो बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं, और बारिश भी लगातार जारी है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पे, ग्रामीणों से जानना चाहते हैं कि किस तरह के हालात रहे कल रात को। तो ये मांडव गांव के ग्रामीण हैं, आइए जानना चाहते हैं इनसे किस तरह के हालात रहे कल रात को। कल रात जो है 8 बजे के लगभग बहुत ही भयंकर सी आवाज आई, हम लोग उस समय खाना खा रहे थे। ये जो नदी है ये बहुत ही उफान पे आए, और इसके साथ मलबा नदी इतनी तेज ये आया, और इतना ज्यादा मलबा इसमें आया कि इसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। इसमें कुछ लोग तो नेपाली प्रांत के लोग जो नीचे रहते थे वो दबे हैं, उनको जो और लोकल लोग जो हैं इसमें कुछ मर गए हैं। इसमें जो है दो महिलाएं और एक बच्ची, देवा भट्ट नाम है गाँव के। और ये जो गांव है ये दो पार्ट में, एक ऊपरी गांव है एक नीचे गांव है, दोनों के संपर्क जो है टूट गए हैं बाजार से। उधर नीचे वाला गांव जो उधर साइड है उसमें तो बहुत ही ज्यादा जो है संपर्क टूट गया है। और जो यहां पर दबे हैं वो देवा भट्ट हैं, और देवा भट्ट जो उनका परिवार में उनकी बीबी और उनकी भाभी हमारे साथ, आइए जानना चाहते हैं किस तरह के हालात रहे और किस तरह से आप लोगों ने देखा और प्रशासन की ओर से किस तरह का सहयोग मिला। कल शाम 8:30 बजे ये जो बाढ़ आई है बहुत भयानक किस्म की थी, बारिश हो रही थी तेज, लोगों की खेती, कई लोग बहे हुए हैं, और बहुत भयंकर प्रशासन से मांग रही क्योंकि उनको विस्थापन की मुहिम चलाए हैं। जी एक और अन्य जनप्रतिनिधि ग्रामीण हमारे साथ हैं, आइए जानना चाहते हैं किस तरह के हालात रहे। जैसे कि मेरा रिपोर्ट में बताया गया कि बादल फटने की खबर मिली, और यहाँ पे गाँव का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तीन तीन चार चार फूल यहाँ पे बह गए हैं, और एक दूसरे का गांव से संपर्क हमारा कट गए हैं। रात का जो दृश्य था बहुत भयभीत था, और प्रशासन से हमने बात की, आपदा की टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची थी मौके पे, परंतु साधन कुछ नहीं था, फिर भी उनको सब निकाल दिए गए थे। 3 बजे के करीब उनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया था, और बहुत ही जबरदस्त स्थिति हुई गाँव के अंदर, और यहाँ पे लोगों की जमीन से लेकर निराकोट में कई मकान बहने की संभावनाएं बताई जा रही है, और कई मकान मांडो में दब चुके हैं। यहाँ की गाड़ियाँ थी लोगों की वो भी बह चुकी है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लोग बड़ी दहशत में हैं। शासन प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर आएं और इस गांव को कहीं ना कहीं विस्थापित की ओर ले जाएं और विस्थापित किया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। निश्चित ही अभी जो हालात का जो
देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से जो नुकसान हुआ है और जो कि बड़े बड़े बोर्डर आ रखे हैं और रास्ता जो है पूरी तरह से कनेक्ट है। अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं लोग। अभी भी जिस तरह से हम सुन पा रहे थे उनको, परेशान है लोग। अभी राहत बचाव की क्या स्थिति है, क्या मदद मिल पाई है? 3 गांव प्रभावित हुए हैं, सड़क ध्वस्त हो गई, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन लोगों के खाने पीने की, इन लोगों के विस्थापन की क्या कोई व्यवस्था की गई है? जी, कल रात से लगातार जो आपदा प्रबंधन है पूरा रेस्क्यू कर रहा है और जिससे ये बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है मांडव निराकोट में हुआ है, उसके बाद कंकराड़ी में 2 मकान जो ध्वस्त हुए हैं और अभी भी जो कि आज सुबह से ही जो आपदा प्रबंधन जगह जगह जहां पे सूचना मिल रही है कि नुकसान होने की, वहां पे मौके का जायजा ले रहा है और जिस तरह से जो हालात का जायजा है उस तरह से लिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जनपद में कितना नुकसान हुआ है। अभी तक जिला प्रशासन के पास इस तरह का कोई पूरा आंकड़ा नहीं है कि कहां का नुकसान हुआ है। और वहीं आपको बता दूं, गंगोत्री नेशनल हाईवे जो जगह जगह टूट रखा था, तो कल रात गंगोरी से और आपके ज्ञानसु तक पूरा जो मार्ग है पूरा बंद हो चुका था और जगह जगह लोगों को परेशानियां हो रही थी। और जो कलेक्ट्रेट कॉलोनी है, कॉलोनी में काफी लोग कर्मचारी रहते हैं, वहां भी जल भराव बहुत तेजी से हो चुका था। बारिश की वजह से स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया दिग्वीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। अब मैदान का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है और लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऐसे में अगले 2 दिनों तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। येलो अलर्ट बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया है और पहाड़ हो या मैदान, परेशान है इंसान ये कहना गलत नहीं होगा। उत्तराखंड में मानसून जब भी आता है तो उत्तराखंड के लोगों की मुसीबतें कुछ इसी तरह से बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, पहाड़ की बात हो या मैदान की बात हो, हमने उत्तरकाशी के भी हालात देखे, बारिश की वजह से क्या कुछ हालात हैं वहां पर। हरिद्वार में आप हैं, वहां क्या स्थिति है, क्या बारिश हो रही है, क्या लोगों की परेशानी वहां पर भी बढ़ी हुई है? बरसात हो रही है और जिस कारण लोगों को काफी जो गंगा किनारे में रहते हैं उनको दिक्कत आ रही है। और बात है पहाड़ की, जैसे पहाड़ पे बादल फटे हैं, पहाड़ का पानी जैसे जैसे आएगा हरिद्वार में, वैसे वैसे हरिद्वार के लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गंगा किनारे हैं, जो पहाड़ का पानी आएगा वो सब हरिद्वार में गंगा में आएगा, जिस कारण लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को गठित कर दी है और वो नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे पहाड़ से पानी आता है वैसे वैसे और टीम रेस्क्यू करेगी और अभी फिलहाल हरिद्वार में सामान्य है और बारिश लगातार जारी है। जी हाँ, बिल्कुल, बारिश लगातार जारी है और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के जो हैं 2 दर्जन जिलों में बारिश हो रही है, तो उत्तराखंड के भी जिले उससे अछूते नहीं है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। रामनगर में बारिश की वजह से भवनों को खतरा पैदा हो गया है। एक भवन के 2 कमरे गिर गए तो कुछ और मकानों को भी खतरा है। दूसरी तरफ बरसाती नाले में आए उफान के कारण एक कार भी इसमें बह गई है। गनीमत रही कि कार सवार किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन ये कार पानी के साथ बह गई। बारिश से भवनों को खतरा हो रहा है और दूसरी तरफ एक कार पानी के साथ बह गई। वक्त रहते इसमें सवार लोग बाहर निकल गए थे जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार की हालत आप देखिए किस तरह तेज बारिश और बहाव का शिकार हो गई है कार। मॉनसून सीजन से पहले देहरादून नगर निगम की तरफ से जल भराव को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन बारिश बढ़ने के साथ ही राजधानी में जगह जगह जल भराव हो रहा है जिससे नगर निगम सवालों में। राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शनिवार देर रात बारिश इस कदर हुई कि सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इस कॉलोनी की हालत देखिए, घरों के बाहर कैसे पानी बह रहा है, लग रहा है मानो तालाब। घरों के बाहर सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में डूब गए हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है जिससे आम आदमी की जान आफत में आ गई है। रायपुर इलाके में तो सड़कों पर पानी इस कदर भरा कि लगने लगा बाढ़ आ गई है। बरसात से पहले नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि नालियों की सफाई करा दी गई, साथ ही जल भराव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, मगर हालात देखकर आप सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खुलते देख सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पौड़ी में सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए उन लोगों पर एक्शन होगा जो लोग अपने पशुओं को रजिस्ट्रेशन न करवाने और फिर
पहचान टैग न लगाए जाने पर इन्हें सड़कों पर छोड़ रहे हैं। विकासनगर में पावर हाउस में काम कर रहे दो मजदूर टनल के अंदर गिरकर लापता हो गए। लापता मजदूरों के साथियों ने पावर हाउस पर इकट्ठा होकर हंगामा किया। इनका कहना है कि ठेकेदार ने मजदूरों को सेफ्टी बेल्ट नहीं दी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम आने वाले हैं, मगर सीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश है। दरअसल तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना की वजह से करीब तीन महीने से हर की पैड़ी पर काफी बंदिशें थी, जिस वजह से श्रद्धालु स्नान के लिए नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब छूट मिलते ही सैलानियों की भीड़ फिर से उमड़ने लगी। रुड़की के तांशीपुर गांव में किसान की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि वो अपने घर की जमीन तक बेचने को मजबूर हो गया। किसान काफी समय से गन्ने के बकाया भुगतान के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, मगर अधिकारियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग ने सभी पदों पर भर्तियों को पूरा किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके ही विभाग के कुल सचिव का कहना है कि अभी पद खाली है जिनको जल्द भरा जाना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर बात सच है तो ग्राउंड पर चीजें नजर क्यों नहीं आ रही। उत्तराखंड में ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी। जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर अब 17,000 रुपए करने का फैसला लिया गया, जहां अभी तक 7,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा था। तो ये उत्तराखंड की फटाफट खबरें थी, और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं कि उत्तराखंड में इस समय सबसे ज्यादा निराशा युवाओं के अंदर है। पढ़े लिखे नौजवान युवक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सूबे में अभी अभी नए मुख्यमंत्री बदले हैं, ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ सोचेंगे जरूर, मगर जानकार मानते हैं कि स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। पुष्कर सिंह धामी का ये बयान उस समय का है जब उन्होंने उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी संभाली थी। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को सपना दिखाया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार का पूरा फोकस है, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले ही क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे। उत्तराखंड में 2020-2021 में 8.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत है, जबकि सरकार सिर्फ 1,398 युवाओं को ही रोजगार दे पाई है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही प्रदेश में 22,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया था। अब सवाल यह है कि अगले 6 महीने में क्या सरकार 22,000 पदों पर नियुक्तियां कर सकती है। ये बात इसलिए भी नामुमकिन लग रही है क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक साल में सिर्फ 6 से 7 हजार पदों पर ही भर्ती करा पाता है। हमें लगभग 20 परीक्षाएं हम एनुअल करा रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जाम 20 हो रहे हैं, भले उनसे बच्चे थोड़ा कम निकले, और अभी तक हम लगभग 3,500 बच्चे एनुअल उनका डिस्पोज ऑफ करते हैं। पिछले चयन वर्ष से हमने थोड़ा इसको स्पीड अप किया, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा हुआ, लेकिन 6,000 बच्चों के करीब हमने अभी तक इसका कंप्लीट कर दिया है सिलेक्शन। इस वित्तीय वर्ष में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि लगभग 7,000 बच्चों का हम सिलेक्शन कंप्लीट कर देंगे। उसमें फॉरेस्ट गार्ड का अभी फिजिकल होने वाला है, उसके बाद एलटी का एक एग्जाम है जिसमें 1400 बच्चे हैं, और लगभग 2000 अन्य विज्ञापन है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 6 से 7 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में जानकारों को भी लगता है कि चुनाव से पहले सरकार की घोषणा पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये मान के चलो कि जिस समय 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि जो 50,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, हम पहले 100 दिनों में आकर इन पर सबसे पहले काम करेंगे, लेकिन उस हिसाब से भर्तियाँ तो हुई नहीं। 4.5 साल का समय निकल गया है, अब लगभग 6 महीने सारे रह गए हैं। 6 महीने में भी अगर हम 45 दिन और घटा देंगे, अधिसूचना पहले जारी हो जाती है चुनाव की, तो बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। उधर सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की सलाह कि अगर इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां करनी है तो सरकार कुछ और व्यवस्था भी कर सकती है। 6 महीने में जितने भी विभाग हैं, संबंधित विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन रिक्त पदों में 6 महीने के अंदर हम भरेंगे, या तो जो होंगे 22,000 में जो हमारे हैं वो उससे परिधि से बाहर भी होंगी,
उनका भर्ती तो अन्य एजेंसियों से भी करा जा सकते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां करना नामुमकिन ही लग रहा है। देखा जाए तो भाजपा सरकार का ये 4.5 साल का कार्यकाल बेरोजगार युवाओं के लिए भी काफी निराशाजनक ही रहा है। यही वजह है कि बेरोजगारों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जिंदाबाद। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।